देखते रहिए यूवीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान की बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह, आरिफ अकील, पीसी शर्मा उपस्थित थे। साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, रामेश्वर नीखरा, राजकुमार पटेल एवं समर्थक उपस्थित थे। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट। मैं माननीय दोनों वरिष्ठ नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि देश में कानून का राज होगा या भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों से माननीय महामहिम या स्पीकर, माननीय स्पीकर साहब काम करेंगे। 19 कांग्रेस के विधायक आज उनके कब्जे में हैं, परिवार के लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन उनके छुड़ा लिए गए हैं। ये भी एक अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस्तीफे मंजूर हो जाएं। कहते हमारा आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अगर आंतरिक मामला है तो उन लोगों को आपने कैद क्यों कर रखा है? छोड़िए, उनसे बयान दिलवा रहे हैं, वीडियो भिजवा रहे हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब के सामने उन्हें पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारी मांग है माननीय स्पीकर साहब से और आपके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, इस देश को समझना चाहिए, प्रजातंत्री व्यवस्था के खिलाफ है। उन्हें वो छोड़ें, अगर यहाँ पर आकर स्पीकर साहब के सामने वे अपना पक्ष वन टू वन रखते हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं हम तैयार हैं। अगवा कर किया है तो केस दर्ज करवा के उनको वापस हो रही है। बात यह है कि इस्तीफे मंजूर कब होंगे? इस्तीफे तब मंजूर होंगे तब माननीय विधायक माननीय अध्यक्ष जी के सामने वन टू वन बैठकर कहेंगे कि मेरे दस्तखत हैं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, तब जाके इस्तीफे मंजूर होंगे। और जब तक इस्तीफे पर निर्णय नहीं होता है तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे करवा दें? नहीं आना तब तक इंतजार करेंगे उनको। जो हमें मालूम पड़ा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने जितने इस्तीफे आए हैं उन सबको नोटिस इशू किया है, नोटिस इशू हो गए हैं, उसी धार पे आधार पे भी आए अपनी बात कहें। रणनीति हो सकती तो उसको बीजेपी की सरकार बनना तय है। एब्सेंट, देखिए बात यह है, पहले तो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, यानी कि इस्तीफे पर जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी किए हुए है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एब्सेंट